मंच पर उपस्थित माननीय संघ चालक गण, उपस्थित सभी महानुभाव माता भगिनी, कल हमने देखा कि किस प्रकार और किस कार्य के लिए संघ की स्थापना हुई और उसकी कार्य पद्धति कैसी है। व्यक्ति निर्माण का कार्य है, व्यक्ति निर्मित होने के बाद समाज में वातावरण बनाते हैं, समाज के आचरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और ये पूरा स्वावलंबी पद्धति से और सामूहिकता से चलने वाला काम है और मन मर्जी का काम है। इसमें आना जाना बिना शुल्क है और कोई जबरदस्ती का मामला चल भी नहीं सकता, क्योंकि जबरदस्ती करने के लिए हाथ में कुछ है नहीं, अपनी दोस्ती ही केवल है। अब जैसे जैसे कार्य बढ़ता है तो स्वयंसेवकों को तो शिक्षा मिली है कि संघ केवल एक ही काम करेगा व्यक्ति निर्माण का, लेकिन स्वयंसेवक समाज के हित में जो जो करना पड़े वो करें। तो शक्ति बढ़ती है तो संघ चलाने के लिए जितने स्वयंसेवक है उनको छोड़कर बाकी स्वयंसेवक खाली तो नहीं बैठते, तो समाज में उनको जो समझ में आता है उसके अनुसार वो किसी न किसी कार्य को हाथ में लेते हैं, कोई और कर रहा है उसके अनुशासन में उसके साथ जुड़ जाते हैं अथवा अपना कोई नया काम खड़ा करते हैं। ऐसे समाज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने कार्य खड़े किए, विविध संगठन है, वो सब स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी है। संघ के किसी बैठक के निर्णय से कोई भी संगठन नहीं चला, वो स्वयंसेवकों का अपना किया हुआ है और वो अपने भरोसे उसको चलाते हैं। सहयोग चलता है, स्वाभाविक चलता है, परिचय है, स्वयंसेवक है सब, तो विचार की दृष्टि उनको मिली है, संस्कार मिला है और संघ में परिचय है, तो आना जाना चलता है, परामर्श चलना है, साथ देना भी चलता है। संघ के स्वयंसेवकों को यह भी सीख है कि अच्छे काम में कौन कर रहा है ये मत देखो, वो अपना समर्थक है कि विरोधी है ये मत देखो, अगर वो प्रामाणिकता से कर रहा है, समाज के भलाई के लिए कर रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। उसके अनुसार स्वयंसेवकों का सहयोग अपने आप मिलते रहता है। जैसा मैंने कल कहा, समन्वय बैठक योजना तय करने के लिए नहीं होती, समन्वय बैठक ऐसा काम करने वाले स्वयंसेवकों को जो संघ के बाहर के क्षेत्र में काम करते उनको अपने स्वयंसेवकत्व का वातावरण मिले इसलिए आयोजित की जाती है। ये मैं थोड़ा फिर से इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार प्रश्न आता है कि राजनीति से क्या है, संघ की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या, क्योंकि लगभग जमाने का चलन ऐसा दिखता है कि व्यक्ति समर्थ बन जाता है और समर्थ सामर्थ्य जहां से प्राप्त किया उस क्षेत्र में कुछ कर लेता है तो आगे उसकी इच्छा राजनीति में जाने की होती है। लेकिन संघ को संपूर्ण समाज को जोड़ना है और राजनीति समाज जीवन के अनेक विषयों को देखती है तो उन विषयों में मतभेद होते ही है, होना स्वाभाविक भी है, विचार अलग अलग प्रकार के रहते हैं और दलबंदी हो जाती है, दल अलग बन जाते हैं तो विरोध भी खड़ा हो जाता है। तो राजनीतिक दल और सारे समाज का जुड़ना ये कुछ ही मात्रा में एक साथ चल सकते हैं, बहुशः दल अलग अलग हो जाते हैं और इसलिए संघ के जन्म से ही संघ ने निश्चित किया है कि राजनीति से हमारा संगठन दूर रहेगा, ये स्पर्धा की राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। संघ का कोई भी पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल में पदाधिकारी बिल्कुल नहीं बन सकता और चुनाव की वोटों की इस राजनीति से संघ को दूर रहना है। डॉक्टर हरिद्वार स्वयं एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और बहुत कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता थे,
उनके विद्यार्थी दशा में कलकत्ता में उन्होंने एक कागजी आंदोलन चलाया और अंग्रेज सरकार का एक प्रस्ताव पराभूत कर दिया, डिफीट कर दिया। ये जो राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजेस चल रहे थे आंदोलनकारी छात्रों के लिए, तो उनको मिलने वाला प्रमाण पत्र डिग्री, इसको अवैध करने का कानून अंग्रेज सरकार ला रही थी। अब समाज में बड़ा आंदोलन इस विषय को लेकर खड़ा करना संभव नहीं था, तो डॉक्टर हिडेवार ने कलकत्ते में घूम घूम कर हर एक बस्ती के प्रमुख लोगों से बात की और उनको इतना बताया कि अगर कोई आकर आपको पूछे कि आपके यहां इस प्रस्ताव के विरोध में कोई सभा हुई, तो आप कहिए हां आप गए थे, हां मैं गया था, किसके किसके भाषण हुए, अलग अलग नाम उनके पास दिए, इनके भाषण हुए बताना, और क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ और बहुत भीड़ थी और एक मत से पारित हो गया कि ये डिग्रियां बरकरार रखनी चाहिए, ऐसा बताया। और फिर समाचार पत्र में समाचार छपवाए कि अमुक मोहल्ले में सभा हुई, 3000 लोग थे, भाषण हुआ और प्रस्ताव आया और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया। ऐसे समाचार प्रकाशित होने का लगातार ताता चला तब ब्रिटिशों के कान खड़े हो गए, उन्होंने अपने लोग भेजे पूछने के लिए, तो सबको प्रमाण मिले कि ऐसी सभाएं एक भी सभा नहीं हुई थी। लेकिन रिपोर्ट जो गई सरकार के पास कि इसके बारे में बहुत बड़ा जन असंतोष है, इसको करेंगे तो असंतोष का एक कारण और हमने आ बैल मुझे मार के तर्ज पर बुलाया, ऐसे हो जाएगा, इसलिए उस कानून को सरकार ने लाया नहीं। ऐसे कुशल वो राजनेता थे। और विदर्भ में काम करते समय प्रमुखता से उनका नाम सबके सामने आता था, विशेषकर तरुण वर्गों में बहुत लोकप्रिय थे, स्वयं तरुण आयु के थे। लेकिन संघ का काम संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम है, इसलिए अपने जन्म से ही संघ ने स्वयं तय किया है कि ऐसी जो दिन ब दिन की रोजमर्रा राजनीति है उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारे मत है, संघ की विचारधारा के नाते संघ के स्वयंसेवकों के मत है, नीति के बारे में मत है। कौन राज्य करे ये तो चुनाव जनता करती है, परंतु कैसा चले राष्ट्रहित में, इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास हमारा लोकतांत्रिक रीति से ही होता है। संघ को राजनीति से परहेज है, इसका मतलब वो घुसपैठियों के बारे में न बोले ऐसा नहीं है, वो ये सब राष्ट्रीय प्रश्न है, राजनीति की उसमें भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, परंतु प्रश्नों के सुलझने का न सुलझने का परिणाम पूरे देश पर होता है। ऐसे विषय में संघ अपना मत रखता है। जो एक दल चलता है उस दल में स्वयंसेवक क्यों है, उस दल में बहुत सारे पदाधिकारी क्यों है, उस दल के आज पंत प्रधान है, राष्ट्रपति जी है, सब लोग स्वयंसेवक है, तो इसलिए। और ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है, उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते, परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है, वो हमारे स्वयंसेवक है, उनको विचार दृष्टि सब मिली है, वो भी समर्थ है अपने अपने कार्यक्षेत्र में उन विचारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसा स्वतंत्रता, अलगता, स्वायत्तता से स्वावलंबी होकर उनका काम चलता है और चलना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा है। देश में, देश की व्यवस्था में पावर नाम की जो चीज है उसका जो सेंटर संविधान से तय हुआ है वही रहेगा,
कोई बाहर का दूसरा केंद्र खड़ा हो, ये गलत बात हम मानते हैं, इसलिए ऐसा हम कभी करते नहीं। और इसलिए संघ का राजनीति से संबंध क्या है, क्यों उसी एक दल में ज्यादा स्वयंसेवक है, अब ये तो हमारा प्रश्न नहीं है। बाकी दलों में जाने की उनकी इच्छा क्यों नहीं होती, ये उनको विचार करना है। हम किसी स्वयंसेवक को किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल का काम करने के लिए नहीं कहते। राष्ट्र के लिए एक विचार को लेकर, एक नीति का स्वप्न लेकर काम करने वालों के पीछे खड़े हो जाओ, ऐसा कहते हैं। वो नीति किसी की भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि वो एक दल की दूसरे दल की नहीं है नीति, ऐसा नहीं, ऐसा होता भी है। राष्ट्रहित के सोचकर स्वयंसेवक नागरिक के नाते उनका जितना कर्तव्य उतना करते हैं। संघ के कार्य में दायित्वधारी कार्यकर्ता राजनीति में बिल्कुल पड़ते नहीं। स्वयंसेवक स्वतंत्र है, वो कर भी सकता है, उसका मन करे तो नहीं भी कर सकता है। अपने विवेक से स्वयंसेवक चलते हैं रोजमर्रा के जीवन में। ऐसा अपना जो काम चलता है, संघ का प्रभाव बढ़ता है तो उसके परिणाम वहां भी दिखते हैं, सब क्षेत्रों में दिखते हैं, वहां भी दिखते हैं। हम वो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए काम नहीं कर रहे, वो होता है, हम क्या करें। तो इस प्रकार और ये संघ का और राजनीति का संबंध चला है। राष्ट्रनीति के बारे में हम बोलते हैं और अगर हमारी शक्ति है, हम जिसको उचित मानते उसको करवाने की, तो उसको हम लगाते जरूर है और ये हम छुपे छुपे नहीं करते, ये डंके की चोट पर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति निर्माण ये हमारा मुख्य काम है, वही हम करते हैं, लेकिन जो निर्मित व्यक्ति है वो निठल्ले तो बैठे नहीं रहेंगे, वो नागरिक है देश के, सब लोगों के जैसा उनका भी देश के जीवन के समस्त अंगों में अपना सहभाग रहना अपेक्षित है, वो रहता है। उसमें किसी दल का स्वार्थ नहीं, किसी विचारधारा के प्रभाव की बात नहीं, केवल भारत हित की, राष्ट्र हित की बात रहती है। किसी के प्रति बैर नहीं है और किसी के प्रति अधिक दोस्ती नहीं है, यह संघ का स्वभाव है। कल और भी एक उल्लेख आया था, ये जो स्वतंत्र अलग स्वायत्त स्वावलंबी मामला है, महिलाओं का विचार करते समय भी हमारा विचार ऐसा है। हमारे देश में प्राचीन समय से महिलाओं के बारे में जो विचार है तो उनको अत्यंत बड़ा स्थान दिया है, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का रूप उनको हम मानते हैं। एक तरफ विचार में ऐसा है और दूसरी तरफ व्यवहार में देखा तो उनकी हालत बहुत खराब है। अब ये तो ठीक है कि उनको भगवान बना के मंदिर में बिठाकर पूजने की भी जरूरत नहीं और उनको एकदम दासता की कड़ी में ढकेलने की भी जरूरत नहीं, वो महिला समाज का एक हिस्सा होने के नाते समाज जीवन के सब प्रयासों में बराबरी की हिस्सेदार है, बराबरी की जिम्मेवार है और उस तरह ही उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि बेचारे महिला समाज का हम उद्धार करेंगे। जो देखते हैं हम, नित्य अनुभव भी आप लोगों को आता होगा कि कई मामलों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समर्थ है, जो काम पुरुष करते हैं उससे उसी काम को अधिक अच्छा वो कर सकती है, ये कई क्षेत्रों में आज सिद्ध हो रहा है। उनको सशक्त करने की जरूरत है, उनको वो स्वतंत्रता देने की जरूरत है और ऐसे काम करने के लिए उनको प्रबुद्ध बनाने की जरूरत है। तो अपने घर से प्रारंभ करके समाज के क्षेत्र तक सर्वत्र मातृशक्ति जागरण का काम होना चाहिए, संघ की इच्छा है। संघ के स्वयंसेवक और संघ के साथ जुड़े हुए परिवारों की महिलाएं, स्वयंसेवक जो अनेक संगठन चलाते हैं उसमें बराबरी से सहभागी महिलाएं मिलकर ये काम करती है। महिला और पुरुष परस्पर पूरक है, जीवन बनना है तो इन दोनों का होना और बराबरी से सारा भार उठाकर काम करना, निर्णय से लेकर तो दायित्व तक सारी बातें बराबरी से उसमें सहभागी होना, इसकी आवश्यकता राष्ट्र निर्माण के लिए रहेगी, ये संघ का सुविचारित मत है।
लेकिन कल बात जहां खत्म हुई थी वहां मैंने कहा था कि वैचारिक अधिष्ठान जिस पर हम चलते हैं उस पर बात करेंगे, तो बात है हिंदुत्व की। संघ का विचार है, हिंदुत्व का विचार है, और वो संघ का है ना, संघ ने खोजा हुआ विचार नहीं है, अपने देश में परंपरा से चलता आया हुआ विचार है। और थोड़ा सा प्रचार का भ्रमजाल दूर हटाकर हम देखेंगे तो सबका माना हुआ सर्वसम्मत विचार है, लेकिन भ्रम खड़े होते हैं और उसके कारण है, और उन कारणों के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका स्वयं हिंदू समाज की ही है। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुत्व उस मूल्य समुच्चय का नाम है, विविधता में एकता, समन्वय, त्याग, संयम, कृतज्ञता। इसका आधार जो सत्य है उसका अन्वेषण हमारे यहां किया गया। दुनिया सुख की खोज बाहर कर रही थी, बाहर करते करते थक जाती थी। ऐसे समय में हमारे यहां हमारे पूर्वजों में किसी को बुद्धि हुई कि जरा अंदर भी देखे, और फिर जड़ जगत के विज्ञान निष्ठ अध्ययन के साथ साथ अंतर जगत के आध्यात्मिक अध्ययन का भी प्रारंभ हुआ, और उसमें से अस्तित्व की एकता का सत्य केवल तर्क से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति से हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ। उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति रखने वाले महान पुरुषों की परंपरा तब से आज तक अपने देश में पूर्णतः विद्यमान है। तर्क की बात नहीं, थ्योरी की बात नहीं, जो कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को जब पूछा कि क्या ईश्वर को आपने देखा है, उन्होंने बहुत लोगों को पूछा था, तो गोल मटोल बातें होती थी, क्योंकि तर्क से तो बहुत लोग बता सकते, मैं भी बता सकता हूं, आप भी बता सकते, लेकिन तर्क की वहां चलती नहीं। वास्तव में क्या है, देवेंद्र नाथ ठाकुर को, रविन्द्रनाथ जी के पिताजी को उन्होंने पूछा, तब वो उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आंखों में बड़ा तेज है। उसने कहा, विवेकानंद जी ने कहा, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान को आपने देखा है क्या? तो फिर उनके तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। अपने कॉलेज में पढ़ते समय, फिलॉसफी पढ़ते समय ट्रांस इस शब्द पर चर्चा चली, तो उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने बताया कि इसका सही अर्थ आपको जानना है तो दक्षिणेश्वर जाओ। वहां रामकृष्ण परमहंस के पास वो पहुंचे, और एक दो बार मिलने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या भगवान को आप देखते, देखा है भगवान को? तो रामकृष्ण परमहंस, जो मुश्किल से चौथी पास रहे होंगे, पागल जैसे लगते थे, उन्होंने कहा कि हां देखा है, नित्य देखता हूं, तुमको जितना स्पष्ट देखता हूं उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं, भगवान से बात भी करता हूं, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी ये कर सकोगे। अब इस बात को इतने आत्मविश्वास के साथ बता सकने वाले लोग आज भी अपने देश में मिलते हैं। उस सत्य के आधार पर, अब वो सत्य क्या है इसका वर्णन, जैसा मैंने कल कहा, अलग अलग है और परस्पर विरोधी भी है, परंतु वो एक सत्य है, वो अस्तित्व की एकता का सत्य है, और उसके चलते दुनिया की विविधताओं का स्वीकार सम्मान करो, उनका उत्सव करो, अपनी अपनी विविधता पर श्रद्धापूर्वक पक्के चलते रहो, बाकी सबकी विविधता का सम्मान करो और मिलजुल कर चलो। यह संदेश देने वाला जो मूल्य समुच्चय है, वो मूल्य समुच्चय हिंदू है, हिंदुत्व है। ये नाम तो बाहर से मिला, ये बात सही है, क्योंकि आप प्राचीन ग्रंथों में जाओगे तो ये शब्द आपको कहीं मिलेगा ही नहीं भारत में। आज भी बहुत से विद्वान, संत भी हिंदू नहीं कहते, सनातन कहते हैं, धर्म कहते हैं, अन्य संप्रदायों में धम्म कहते हैं। हिंदू नाम बाद में आया, किसी परिस्थिति विशेष के कारण आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा, 29 के दशक की बात है,
उन्होंने उसमें मैंने पढ़ा, अब क्या सही गलत है देखिए, उनकी उपपत्ति है कि जरतुष्ट जब फारस पहुंचे, पर्शिया यानी आज का ईरान, तो वहां के समाज ने उनको गुरु के नाते स्वीकार किया और गुरु का परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा परिचय क्या बताऊं, हम तो सब मानवों की एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन आपको नाम गांव गांव नाम जानना है तो मैं इतना बताता हूं कि हमारे पूर्वज सिंधु के उधर से आए थे। तो फारस की भाषा में स का ह होता है, उसने अपने गुरु को हिंदू गुरु बना दिया। वहां से व्यापार इसराइल के साथ होता था तो यहूदियों के पास ये शब्द पहले पहुंचा, वहां से समुद्री मार्ग से अपने पश्चिम किनारे पर व्यापारियों को पता चला और धीरे धीरे व्यापारियों के जानकारी के अनुसार वो हमारे देश के बौद्धिक जगत में पहुंचा, तो शायद 9वीं सदी से वो हमारे ग्रंथों में आने लगा, उसके पहले नहीं था, लोक भाषा में तब भी नहीं आया था। लोक भाषा में तो बाहर के आक्रमकों ने, जिनको अपनी विचारधारा का प्रभाव चाहिए था, उन्होंने जब इस देश की इतने प्रकार की विचारधाराओं को सबको एक करके पीटना शुरू किया, तो हमारे शायद लोगों ने विचार किया होगा कि ये कहां से हुआ, हम तो अलग अलग, हम इनके जैसा ही निर्गुण निराकार मानते हैं लेकिन ये हमको भी पीटते हैं। तो फिर उनको ये उत्तर मिला कि आप सब लोग हिंदू हो इसलिए आपको हम बदल रहे हैं, तो वो लोक भाषा में आया। लोक भाषा का शब्द संत पहले उठाते हैं, तो संतों की वाणी में पहली बार, उसके बाद गुरु नानक देव ने जैसे कहा तुर्कस्थान खसमाना किया हिंदुस्थान डराया, काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्थान समालसी बोला, हिंदू शब्द तब से लोगों में प्रचलित है, लेकिन अब वो चिपक गया है तो क्या करेंगे। जैसे मेरा आपका नाम है, वो तो हमारी परमिशन लेके नहीं रखा गया है लेकिन वो अब चिपक गया है, दूसरे नाम को हम प्रतिसाद नहीं देंगे। और इसलिए ये जब अस्तित्व की एकता, परस्पर सहयोग, सबका साथ चलना, क्योंकि इसका एक ऑफशूट ये भी आता है कि व्यक्ति का समाज के हित से विरोध नहीं है, समाजवाद में व्यक्ति को दबाने की जरूरत नहीं और व्यक्ति के उन्नति के कारण समाज में शोषण करने की जरूरत नहीं, व्यक्ति और समाज परस्पर विकास में साथ चल सकते हैं और सारा मानव समाज विकास और पर्यावरणवाद में कोई विरोध नहीं है, वो साथ चल सकता है, विकास भी हो सकता है पर्यावरण भी ठीक, क्योंकि सृष्टि और समाज का भी झगड़ा नहीं, सारा विश्व एक ही अस्तित्व होने के कारण सब लोग साथ चल सकते हैं, साथ सबकी उन्नति हो सकती है और सब लोग श्रेयस को सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी उसका एक ऑफशूट आता है। तो ये सारा जो विचार है ये अगर हम बताने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हिंदू विचार को बोल रहे हैं, उसके लिए पर्यायी शब्द भी जो बनते हैं वो इसी शब्द से निकले हैं। मैंने ऐसा सुना है, मुझे प्रत्यक्ष मालूम नहीं, लेकिन हज यात्रा पर जाने वाले भारत के मुसलमानों का भी वहां पंजीयन जो होता है उसमें उनको माना जाता है कि ये हिंदू भी मुसलमान है। और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में जो चर्चा चलती है उसमें इस प्रकार के विचारों को इंडिक थॉट कहते हैं, वो इंडिक भी इसी का शब्द है। बहुत दूर क्यों, जब हम भारतीय कहते हैं तो वो केवल भारत नाम के भूगोल का नाम नहीं रहता, क्योंकि भारत का भूगोल तो बदलता रहा है, कम ज्यादा होते रहा है, तो भारत एक स्वभाव का नाम है। ये सारे शब्द समानार्थी शब्द है, लेकिन इसके आशय को स्पष्ट रूप से बनाने वाला एक शब्द है हिंदू, इसलिए संघ हिंदू इस शब्द को आग्रह पूर्वक लेकर चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत शब्द का उपयोग करते हैं, जो इंडिक शब्द का उपयोग करते हैं, जो आर्य शब्द का उपयोग करते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा है या विरोध है। हम जानते हैं कि उनको कहना वही है, हमारे लिए ये शब्द आग्रह का शब्द है, उनके लिए वो होगा, बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर झगड़ा होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आशय की बात तो एक ही है, विविधता में एकता। इस मूल्य समुच्चय के आधार पर
एक धर्म बनता है, एक संकल्पना बनती है कि जीवन में कैसे चलना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए। अब धर्म शब्द को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये केवल भारतीय भाषाओं में शब्द मिलता है, भारत के बाहर ये शब्द नहीं मिलता। धम्म शब्द, धर्म शब्द, ये भारत की देन है। अब वैसा दूसरा क्या है, बाकी देशों में नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता, क्योंकि धर्म के साथ कर्मकांड भी आता है, तो कर्मकांड विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार की पूजा, विशेष प्रकार का ग्रंथ, विशेष प्रकार के मसीहा, ऐसा जो बनता है उसको रिलीजन कहते। इसलिए अपनी भाषा को छोड़कर जब हम विदेशी भाषा में बोलने लगते तब हम रिलीजन कहते हैं, और रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म करते हैं, इसलिए गलतफहमी पैदा होती है। ये धर्म यानी किसी एक विशेष देश की समाज की बपौती नहीं है, ये पूरे मानवों का वैश्विक धर्म है। हिंदू धर्म आज जिसको कहते हैं वो वास्तव में हिंदुओं का धर्म नहीं, हिंदुओं का धर्मशास्त्र हिंदू धर्मशास्त्र के नाम से नहीं है, वो मानव धर्मशास्त्र उसको कहा जाता है। हिंदू शब्द आने के पहले वो रचा गया है, वो किसी एक के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। हमारे देश में जितनी आध्यात्मिक धाराएं हैं, सिख बौद्ध जैन सनातनी आर्य समाजी, ये सब लोग जन्मे तो भारत में, भारत के समाज में काम किया, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो सारा का सारा संपूर्ण विश्व के लिए है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी परंपरा में अपने आप को विश्व मानवता से अलग नहीं माना। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रयः। त्रिभुवन हमारा स्वदेश है, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा स्वभाव रहा है, क्योंकि अस्तित्व की एकता को जानने से भारत का उद्गम है। उस अस्तित्व की एकता का भान सबको करा देने के प्रयोजन से भारत का अस्तित्व बना है। तब से हम इन सब प्रकार की विविधताओं को लेकर एक समाज के नाते चल रहे हैं, एक राष्ट्र के नाते चल रहे हैं। हमारा राष्ट्र ये प्राचीन है, उसका अस्तित्व आप उसकी कल्पना अगर पाश्चात्यों की व्याख्या से करेंगे कि जहां स्टेट है वहां नेशन है, स्टेट गया कि नेशन गया, ये हमारा कंसेप्ट कभी रहा नहीं, स्टेट्स बदलते रहे, राष्ट्र हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र है। इस धर्म में ये जो शाश्वत मूल्यों का भाग है वो शाश्वत धर्म है। आचार धर्म बदलना चाहिए, देश काल परिस्थिति और जिस व्यक्ति के संबंध में विचार है वो व्यक्ति, इन पर निर्भर करता है कि उस समय वहां पर उसका धर्म क्या है, आचार धर्म। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल की चर्चा में संसद में पूछा था विरोध करने वालों को कि आप धर्म को क्या समझते हो, वैल्यूज या कोड? आप कोड को धर्म मान रहे हो, कोड बदलता है, बदलना ही चाहिए, उसको मैं बदल रहा हूं, वैल्यूज वही है, आप चर्चा करो। धर्म की ओर देखने की हमारी दृष्टि ये है, ये वैल्यूज है, उस समय का कोड उस वैल्यू के साथ साथ जितना चलता है उतना स्वीकार्य है, जो वैल्यू के विपरीत है उसको बदलना चाहिए। कितना बदल हुआ है हिंदू परंपरा में, देवी देवता भी बदल गए, वैदिक काल के देवता आज नहीं है, मध्यकाल के देवताओं के स्वरूप बदल गए, नए नए संप्रदाय निकल जाते हैं। ये हिंदुत्व की संकल्पना खाने पीने के विशिष्ट व्यवहार में किसी को जकड़ने वाली नहीं है, ये हिंदुत्व की संकल्पना अमुक एक पूजा को लेकर समर्थन नहीं करती, ये हिंदुत्व की संकल्पना विशिष्ट भाषा विशिष्ट प्रांत प्रदेश इसको नहीं चलाती है।
सृष्टि के साथ मानव समाज, व्यक्ति का सुख और समाज का सुख दोनों एक साथ रखकर चले, इसलिए अर्थ काम वो तो है ही, उसकी मान्यता है। इच्छाएं हमारी होती है, उसकी तृप्ति करने से सुख मिलता है, तृप्ति के साधन चाहिए तो अर्थ पुरुषार्थ भी है, लेकिन इन दोनों को हम सबको मिलकर चलना है, अकेले की उन्नति नहीं करनी है। मेरे विकास में इन सबका विकास होना चाहिए, इसका भान रखकर चलाने वाला अनुशासन है, वो अनुशासन धर्म है। कल मैंने तथागत का वचन सुनाया था, सब पापस्य अकरणम। क्यों भाई, क्यों पाप नहीं करना, दूसरे को होती होगी तकलीफ। अरे भाई, वो दूसरा नहीं है, वो भी तुम ही हो। और इसलिए सबके कल्याण में अपना कल्याण, अपने कल्याण से सबका कल्याण, ऐसा जीवन जीने का अनुशासन, और सबका कल्याण हो इसलिए सबके हितों का एक संतुलित समन्वय, बैलेंस, ये वास्तव में हिंदुत्व है। सभी भारत से निकले संप्रदायों का जो सामूहिक मूल्य बोध है उसका नाम हिंदुत्व है। लेकिन अब संप्रदाय है, प्राचीन है, चले हैं, तो हमारा धर्म है तो है, तो हम मान्य करते हैं ना। सभी विविधताओं का अपने यहां स्वीकार है। भारत की पहचान वो बनी है, ये वैश्विक धर्म है, केवल भारत के लिए नहीं है, लेकिन भारत में इसका संगोपन हुआ, निर्माण हुआ, संगोपन हुआ, और एक ट्रस्टी के नाते समय समय पर विश्व को इस ज्ञान को देने वाला भारत है। वैदिक ऋषियों के समय हुआ, सारे विश्व में गया अपना ध्यान। तथागत के काल में उनकी प्रेरणा से सारी दुनिया में इसी धम्म का प्रचार हुआ। आज भी अनेक संत महात्मा जाते हैं और इन बातों को बताते हैं, वो कन्वर्जन नहीं करते। रमण महर्षि के पास सर पॉल ब्रंटन आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू बना लो। रमण महर्षि ने कहा कि तुम अच्छे ईसाई हो, अच्छे ईसाई बनो, उसी में सार्थक है, तुमको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन सब विविधताओं को, सब दर्शनों को, सब तत्व ज्ञान को हम मानते हैं कि वो सब सत्य है, सही है, जो तो मत तो पथ। रामकृष्ण परमहंस जैसे संत ने इन सब उपासनाओं का प्रत्यक्ष आचरण करके उनके अंतिम उपलब्धि तक जाकर देख लिया और बाद में बताया, ये हिंदुत्व है। ये सब विविधताएं रहेंगी, विशेषताएं रहेंगी, उसका स्वीकार होगा, सम्मान होगा, लेकिन ये हम में आपस में अलगाव का, भेद का कारण नहीं बनेगी। क्योंकि ऐसा भेद नहीं करना, ऐसी सीख देने वाली भारत भूमि के हम पुत्र हैं। इसलिए हम जिसको हिंदुत्व कहते, इस मूल्य बोध, उससे निकली ये संस्कृति, उसके साथ दूसरा घटक है देशभक्ति, ये भारत की पहचान है, भारत इसके लिए है। और इसलिए इसका आचरण इस भारत वर्ष में लगातार हो रहा है, सब प्रकार की परिस्थिति में हुआ। जब आक्रमकों के पैरों तले हमारी धरती रौंदी जा रही थी, तब भी इस धर्म का आचरण जितना जैसा बनता है उतना किया गया। जब अपने ही स्वार्थी लोगों के द्वारा इसके आचरण को मूल्यों के विपरीत बिगाड़ दिया गया, तो उसको वापस लाइन पर लाने वाले अनेक संत महात्मा हुए, उनसे ही हमारे सारे संप्रदाय बने हैं। इसलिए प्रस्थान बिंदु सबका एक है और आचरण का उपदेश सबका एक है। देशकाल परिस्थिति अनुसार दर्शन और विधि, आचार धर्म सबने अलग अलग बताया है। और इसलिए इस मूलभूत एकता को देखकर साथ चलना, इस स्वभाव का नाम हिंदुत्व है। किसी का हित गौण नहीं, सबका हित एक साथ होना चाहिए। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल, इसके आगे जाकर हमारे पूर्वजों ने कहा, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, हवई सब मंगलम, सब सर्वत्र का भला। किसी भी पंथ संप्रदाय में भारतीय जाओ, ये आपको मिलेगा सबका। यहां तक जो खल है, दुष्ट है, उनका भी भला ही चिंता है सबने।
पसायदान ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा तो दुष्टों का नाश हो ऐसा वो नहीं कहते, वो कहते हैं खलांची व्यंकटी सांडोजे ने वे दुष्ट स्वभाव के लोगों का जो टेढ़ापन है वो चला जाए। हमारे यहां उद्घोष चलता है सनातन परंपरा में भी धर्म की जय हो, धर्मी की जय हो अधर्मी का विनाश हो ऐसा नहीं कहते, धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये जो अपनी विचारधारा है जिसकी आज के विश्व को नितांत आवश्यकता है, वो मांग रही है, उस विचारधारा को अपने आचरण में चरितार्थ करने वाला समाज भारत में खड़ा करना है, और वही हम सबको जोड़ता है। कोई एक भाषा हमको जोड़ती है क्या? नहीं। कोई एक देवी देवता हमको जोड़ते हैं क्या? नहीं। खानपान रीति रिवाज का एक तरीका हमारा समान नहीं है, हमारे प्रांत है, हमारी भाषा है, हमारी जातियां उपजातियां सब है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम सब भारत माता के पुत्र, उस वैश्विक मानव संस्कृति के अनुयायी है, ऐसा हम चले, ऐसा हम चले। जहां जहां विश्व में गए हैं हमने कोई लड़ाई नहीं की, हमने किसी का राज्य नहीं जीता, हमने किसी के संपत्ति को लूटा नहीं, जहां गए वहां ज्ञान दिया, सभ्यता दी। अन्य देशों के लोग आकर प्रभावशाली अपने देश में बनते हैं और बाद में जाते हैं वापस, उनकी जो स्मृति आ रही थी वो अच्छी नहीं रहती किसी देश में। अन्य देश के लोग आए, उन्होंने हम पर राज किया, चले गए। अन्य देश के लोग आए, उन्होंने हम पर प्रभाव, हमको प्रभावित किया, चले गए, इसको अच्छा नहीं बताते। लेकिन एकमात्र भारत है जिसके दुनिया के जिन जिन देशों में वास्तव्य हुआ है उसकी स्मृतियों को आनंद से आदर पूर्वक वहां के लोग बताते हैं। आज भी उसके अवशेष चला रहे, कहीं पर मूर्तियां मिलती है, कहीं पर शिल्प खड़े करते हैं नए सिरे से, महाभारत के रामायण की कथाएं चलती है, रामलीलाएं चलती है, आनंद के साथ चलती है। पूजा पद्धति बदल गई, न वहां पर शैव रहे न वहां पर बौद्ध रहे, आज मुसलमान है, लेकिन वो कहते हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। ये मधुर स्मृतियां एकमात्र चमत्कार भारत का ये क्यों है? इसलिए है कि भारत इस संतुलन को, अनुशासन को विश्व कल्याण की भावना से सबको अपना मानकर ले गया है। यह चित्र हमारे यहां खड़ा करना है, और इसलिए जिस हमारे सुजल सुफल मलय शीतल मातृभूमि ने हमको कभी आक्रमण की चिंता में प्राचीन समय में रखा नहीं, चारों ओर से हम प्रोटेक्टेड थे, आज के जैसे जाने आने के साधन नहीं थे तो हम सुरक्षित थे, समृद्धि थी तो हमने कभी लड़ाई करना सीखा ही नहीं, जो आएगा उसको बसा लिया, तुम भी रहो। भाषाएं हमारी भी पहले से अनेक है, देवी देवता हमारे पहले से अनेक है, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। मानवता के धर्म को लेकर चलो, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कहा है कि स्वातंत्र्य और समता और बंधुता ये आदर्श मैंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं लिए, इसी मिट्टी में उपजे तथागत बुद्ध के विचारों से मैंने ये प्रेरणा पाई है, क्योंकि स्वतंत्रता आई तो समता का लोप होता है, और समता लाने गए तो स्वातंत्र्य को संकुचित करना पड़ता है। एक साथ दोनों लाना है तो बंधुभाव की आवश्यकता है, और वो बंधुभाव ही धर्म है। बंधुभाव का आधार क्या है? हमारे पूर्वज समान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत सबकी साझी है, और हमारी मातृभूमि एक है। इसलिए मैं कहता हूं, उसका विरोध भी होता है कभी कभी, लेकिन मेरे हृदय की भावना यह है कि भारतवर्ष में जो है वो सब हमारी भाषा में, वो अपने आप को कहे ना कहे उनको स्वतंत्रता है, और दूसरा कुछ कहते हमको उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, हमारे मन के अपनत्व को वो कम करने वाली बात नहीं है, लेकिन वो सब एक पहचान के लोग है राष्ट्र के नाते, हम उसको हिंदू पहचान के। किसी को मालूम है, वो कहते हैं हम हिंदू हैं, उनको गौरव भी है, उसका गौरव भी है,
किसी को मालूम है लेकिन उतना गौरव उनके मन में नहीं है, कोई बात नहीं। किसी को मालूम है लेकिन कुछ मटेरियल कंसिडरेशंस ऐसा कहा जाता है, या पॉलिटिकल करेक्टनेस ऐसा कहा जाता है, उसके चलते वो कभी कहेंगे नहीं सार्वजनिक रूप से। निजी रूप से मिलते हैं तो कहते भी है कभी कभी। और कुछ लोग हैं कि जो भूल गए, जिनको भुलाया दिया है। ये सब लोग हमारे अपने हैं, भारत के हैं। हमारी दृष्टि से इस संपूर्ण समाज का संगठन हिंदू संगठन है। जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो आसान सवाल पहले करते हैं, बाद में कठिन सवालों को हाथ लगाते हैं। वैसे पहले जो जानते हैं कि हम हिंदू हैं उनका हम संगठन करेंगे, लेकिन वो इनके खिलाफ नहीं करेंगे, इनके लिए करेंगे। एक अच्छा जीवन खड़ा करके उस जीवन में ये सब लोग भी बराबरी से सहभागी हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा कोई शत्रु नहीं है, न दुनिया में है न देश में है। हमारी शत्रुता करने वाले लोग होंगे, उनसे अपने को बचाते हुए भी हमारी आकांक्षा उनको समाप्त करने की नहीं, उनको साथ लेने की है, जोड़ने की है। ये वास्तव में हिंदुत्व है। आज जो हिंदू के नाते प्रचलित हम देखते हैं वो सब कुछ धर्म नहीं है, क्योंकि इस भावना का लोप महाभारत काल से धीरे धीरे होता आया। और हमने, इसलिए मैंने कहा कि उसको संकुचित करने में पहला योगदान हिंदू समाज का है, उसने अपने आप को संकुचित कर लिया, उसने वैल्यूज को कर्मकांड में बांध दिया। और इसलिए कई प्रकार की कुरीतियां, रूढ़ियां, अस्पृश्यता जैसे पाप हिंदू समाज के जीवन में प्रवेश कर गए। हम चाहते हैं कि यह सब साफ हो जाए और देश काल परिस्थिति अनुसार नवीन रूप में उस सनातन मानव धर्म का पुनरुत्थान भारत में हो। हम जानते हैं कि हमारे देश के सब संप्रदायों ने वही आचरण बताया है, मूल्य आधारित, उसका ही प्रचलन सर्वत्र हो। वो किसी को नहीं अब बुरा कहेगा, किसी को पराया नहीं कहेगा, जिसको हाथ लगाएगा उसको अपनाएगा, उसको अच्छा बनाएगा। उस हिंदुत्व के आधार पर संघ विचार करता है। विचार इश्यूज पर होते हैं तो इश्यूज में भाषा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। घर में चार बच्चे हैं, उनको अलग अलग ढंग से उनके स्वभाव के अनुसार समझाना पड़ता है। लेकिन इस बाहर की बात पर मत जाइए, हमारी इच्छा ये है, हमारे हिंदुत्व की ये संकल्पना है। अपने देश में अपने देश की चिंता करने वाले सब प्रामाणिक निस्वार्थ बुद्धि के लोगों ने अपने देश के बारे में जो संकल्पना की उसी को लेकर हम चल रहे हैं। हमको नया विचार कुछ करना नहीं है। उसके आधार पर कई बातों का तय हुआ है। विकास की अपनी फिर कल्पना है, पश्चिम की अपनी एक अवधारणा है, हमको अपनी एक अवधारणा, युवानुकूल अवधारणा विकास की खड़ी करनी पड़ेगी। अंधानुकरण करके बाकी लोग जिस समस्याओं का सामना कर रहे हो उसमें हम भी फंस जाए, ये क्यों, हम उसके उत्तर खोजें। तो सबका विकास, साथ में विकास, समन्वित विकास, संतुलित विकास, ये बात आज दुनिया भी कर रही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आ गई। हमारे पास ये विचारधारा है, हमने अपने जीवन से इसका उदाहरण पहले भूतकाल में प्रस्तुत किया है। हमारी एक क्षमता है, हम अपना ऐसा एक आधुनिकतम दुनिया के लिए उपयुक्त ऐसा मॉडल खड़ा कर सकते हैं। हमको उस दिशा में सोचना चाहिए। अर्थ का मर्यादा से ज्यादा प्रधान पद जीवन में आने से कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। हम अर्थ कामों को एक दायरे के अंदर उसके अनुशासन में चलाते हैं। कमाई सब कुछ नहीं है, कमाओ जी भर के कमाओ, लेकिन दिल खोल करके बांटो, ये मुख्य बात है। कमाना, इससे ज्यादा कमाई का उपयोग कैसे करता हूं, विनियोग करने का, उसको सीखो, ये हमारे यहां कहा गया है। सक्सेसफुल जीवन चाहिए, लेकिन सक्सेसफुल जीवन, मीनिंगफुल जीवन भी चाहिए, इस पर हमारा जोर रहेगा।
ऐसे जीवन के सब अंगों में जो विषय है उनके बारे में इस मूल अवधारणा के कारण हमारे देश की अपनी एक दृष्टि बनती है। हमारे देश के सब प्रकार के लोग उसी को अपने क्रियाकलाप में लाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। उस हिंदुत्व की हम बात करते हैं। इसके आधार पर जो आवश्यक सद्गुण है उसको उससे भरकर व्यक्ति को खड़ा करना, ये हमारा काम है। सर्वेशाम अविरोधेन, किसी की बुरी कामना हमारे मन में नहीं है। उलट हमारा कहना है कि आप आकर इसको सीख लो तो आपको जो करना है वो आप अधिक अच्छी तरह से करोगे, और आप जो करोगे वो मानवता के लिए उपकारक होगा। उस हिंदुत्व के हम तीन आधार मानते हैं, देशभक्ति, पूर्वज गौरव और संस्कृति। उसके बारे में कोई विवाद होने का कारण नहीं, वो सबका साझा है। जाने अनजाने उसका आचरण हम सब लोग करते हैं। थोड़ा अंदर देख के सोचे, सबको पता चलेगा। अब ये जो सारी बातें हैं तो विचार आता है कि आधुनिक जीवन में हमारे प्रजातांत्रिक देश में हमने एक संविधान का स्वीकार किया, तो स्वीकार किया है तो क्या, वो संविधान भी हमारे लोगों ने तैयार किया है ना। अपना संविधान अपने देश का कॉन्सेंसस है, और इसलिए उस संविधान के अनुशासन का पालन करना ये सबका कर्तव्य है। संघ इसको पहले से मानता है। अभी तक जो मैंने बोला है उससे उसमें कुछ नहीं है और उल्टा नहीं है, और उसमें जो कुछ है उसी को मैंने अपने शब्दों में बोला है। उस संविधान की भावना का पूर्ण, कल मैंने कहा स्वतंत्र भारत के सब प्रतीकों के अनुशासन में उसका पूर्ण सम्मान करके हम चलते हैं। हमारा संविधान भी ऐसा एक प्रतीक है। शतकों के बाद हमको फिर से अपना जीवन अपने तंत्र से खड़ा करने का जो मौका मिला उस पर हमारे देश के मूर्धन्य लोगों ने, विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके संविधान को बनाया है। वो ऐसे ही नहीं बना, उसके एक एक शब्द का बहुत खल हुआ है, और उनको लेकर सर्वसहमति उत्पन्न करने के पूर्ण प्रयास के बाद जो सहमति बनी वो संविधान के रूप में अपने पास आई। उसकी एक प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें नागरिक कर्तव्य बताए हैं, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और उसमें नागरिक अधिकार दिए हैं। बाकी कानून वगैरह उसके आधार पर जो बने वो बदलते रहते हैं, उस बदलने का प्रावधान उस संविधान में है, वो चलते रहता। उसके लिए फोरम है भारत की संसद, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट का मत लिया जाता है। यह व्यवस्था है, उस व्यवस्था में से चलेगा वो जैसा चलना है। लेकिन ये जो चार बातें हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वो हमारा कॉन्सेंसस है, उसको मानकर ही सबको चलना है, सबको चलना चाहिए। ऐसा हम मानते हैं, हम वैसा चलते हैं। मैं केवल प्रीएम्बल पढ़ देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में आया, सबको पता है, लेकिन अभी है तो उसको भी पढ़ा है मैंने। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आगे की और एक महत्व की बात है जिसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने संविधान सभा के भाषण में कहा था, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे आपस की लड़ाई के कारण विदेशी जीते और हमको गुलाम बनाया। मैं भाव बता रहा हूं, शब्द उनके हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमने बंधुभाव, अभी भी हम संसद में बैठे परस्पर विरोधी कैंप में एक दूसरे के विरोधी बनकर, ये तो तंत्र की मजबूरी है, लेकिन इन सबके बावजूद हम सब एक है, ऐसा बंधुभाव उत्पन्न हमने नहीं किया तो फिर कौन से दिन देखने पड़ेंगे बता नहीं सकते।
उनके शब्द आप पढ़ लीजिए। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा, वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सब की मान्यता है, वो सब सत्य है, इसी सबकी श्रद्धा है, होनी चाहिए। इस हिंदुत्व को लेकर हम चलते हैं क्योंकि इस बंधुभाव को वैचारिक आधार देने वाला वही एकमात्र विचार है, वो सर्वेशाम अविरोधी विचार है, वो कभी प्रतिक्रिया में नहीं आता। उसको धारण करके वास्तव में ऐसा चलने की योग्यता हमारी होनी चाहिए। हमने बीच के काल में उसको खो दिया, इसलिए बहुत सारी बातें हुई। नहीं तो हम भी 1881 का सेंसस हुआ तब तक हमारे देश के सामान्य लोग भी ये जानते थे। सर सैयद अहमद खां का जो लाहौर का भाषण है, उनका सत्कार हुआ, वो बैरिस्टर बनकर आए, उसकी चर्चा चली है। वो बैरिस्टर बनकर आए, लाहौर के आर्य समाज ने उनका सत्कार किया, आर्य प्रतिनिधि सभा ने, और उनका परिचय देते समय परिचयकर्ता ने कहा कि हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर बने हैं लेकिन ये मुसलमानों में पहले, इसलिए हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो सैयद अहमद अली खान ने अपने भाषण में जो उत्तर दिया, उसके प्रारंभ में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने हमको अपने में नहीं शुमार किया, क्या हम भारत माता के पुत्र नहीं है? अरे इतिहास में हमारी बदल गई पूजा की पद्धति, और क्या बदला है? ये जो बात है ये हम 1881 तक जानते थे, धीरे धीरे इसको हमने खो दिया अपने जहन से, उसको वापस लाना पड़ेगा। हां उसको आप हम जैसा कहते वैसा हिंदू मत कहो चलेगा, आप उसको भारतीय कहो, हम आपके कहने का सम्मान करते हैं। हम जिस संस्कार को निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए हमको वो एकमात्र उपयुक्त शब्द रहता है, लगता है, इसलिए हम उसको लेकर चल रहे हैं। और उसके नुकसान भी होते तो हम सहन करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ही विश्वास है कि इस शब्द के रहने से भारत का यह स्वभाव कभी भी लुप्त नहीं होगा, सबको लेके भारत के लोग आगे बढ़ेंगे। ये संघ की विचारधारा है, और इसलिए संविधान के सम्मान का प्रश्न ही नहीं उठता। हम संविधान के अनुशासन से हम सब लोग बंधे हैं। मैं कहता हूं कि अपने वैश्विक धर्म का, भारत के धर्म का, आज का आचार धर्म संविधान में उल्लेखित है, उससे हम सब लोग बंधे हैं। और वो संविधान इतना उदार है कि उसकी अपनी चर्चा हो ऐसे भी प्रावधान उसमें है, वो होती रहती है, उसके लिए व्यवस्थाएं भी निर्माण है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता, संविधान को मानकर ही संघ चलता है। संविधान कानून का पूर्ण सम्मान रखता है, संविधान कानून के खिलाफ हमने कुछ किया है ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। ये बात पक्की है। अब हमारा ये कहना है, हमारा ये अहंकार भी नहीं है कि अकेला भारत देश का उद्धार करेगा, यह अहंकार किसी ने भी रखना नहीं चाहिए। क्योंकि देश उठता है वो किसी एक व्यक्ति के, एक संगठन के, संस्था के, एक सरकार के जरिए नहीं उठता है। देश का संपूर्ण समाज अपने देश के लिए जीने मरने का उद्यम करता है, गुणवान होकर, संगठित होकर, भेदों और स्वार्थों को भूलकर, तब देश का भाग्य बदलता है। दुनिया में जो देश आज तक बड़े हुए हैं, आधुनिक काल में भी आप सबका इतिहास देख लीजिए, सतत कम से कम 100 वर्ष ऐसे प्रयास हुए, उसके बाद गर्त से उठकर वो देश विश्व का एक सिरमौर देश बन गया।
चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, इन सबके इतिहास है, लिखे जा चुके हैं, मैंने स्वयं पढ़े, उसके निष्कर्षों के आधार पर मैं बता रहा हूं। एक ही उदाहरण मैं दूंगा, जापान के बारे में पुस्तक लिखी गई, द इनक्रेडिबल जापानीज। जापान उस समय देश के बाजारों का, दुनिया के बाजारों का राजा था, तो उसका अध्ययन एक समाज, दो समाजशास्त्री, दो अर्थशास्त्री, दो चारों ने मिलकर किया और पुस्तक लिखी। पुस्तक पढ़ने लायक है। उसके अंतिम पृष्ठ पर उन्होंने नौ निष्कर्ष दिए। उन नौ निष्कर्षों में पहले पांच का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। वो कहते हैं कि जापान के लोग अनुशासित है, इसलिए इतने प्रगत हुए। दूसरी बात वो कहते हैं कि जापान के लोग जब अपने हित का विचार करते तो अकेले के हित का विचार नहीं करते, कम से कम अपने गांव की भलाई सोचकर अपना हित, उसका प्लानिंग करते। तीसरा उन्होंने कहा कि जापान के लोग अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस करने के लिए सदा तैयार रहे। चौथा उन्होंने लिखा कि जापान के लोग अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहते। और पांचवा उन्होंने लिखा कि जापान के लोग अपने देश का हर काम उत्कृष्ट हो इसकी पूरी चिंता करते। हमको यही संस्कार बनने हैं, इसी काम को करना है। और इसलिए हम मानते हैं कि संपूर्ण समाज को संगठित होना चाहिए। हम मानते हैं कि प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, अपने अपने जगह पर, छोटे बड़े दायरे में, देश हित में काम करने वाले सबका योगदान है। संपूर्ण समाज ऐसे भाव से अनुप्राणित होगा तब देश का भाग्य बदलेगा, नहीं तो कुछ दिन अच्छा चलेगा, बाद में फिर से गिरावट आएगी। ये हमने बार बार अनुभव किया है, स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद में भी। स्वतंत्रता के बाद में भी बहुत ऐसे कालखंड आए जिसमें एकदम आशाएं पल्लवित हुई, सब लोग उत्साह में आ गए, और बाद में फिर से पहले से ज्यादा अंधेरे में चले गए। कारण उस आशा को निर्माण करने वाले लोग नहीं थे, कारण अपने सामान्य समाज का स्तर, उसकी गुणवत्ता, उसका संकल्प ये थे। प्रामाणिक भावना से जो कोई देश हित में उद्यम करता है उसका उद्यम पूर्ण हो, सफल हो, ऐसा समाज उत्पन्न करना यह आवश्यक है। वी हैव कम टू फुलफिल, नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब सज्जन जो है, सदहितैषी लोग हैं, उन सब के सब उद्यम सफल होते रहे पूर्णता, इसकी व्यवस्था समाज की करना है, यह संघ का काम है। और इसलिए भविष्य के भारत की कल्पना पर जब हम आते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अगर किसी आदर्श स्थिति की कामना करता है तो एक ही प्रकार की कामना करता है, हमको कैसा देश चाहिए। हमको सामर्थ्य संपन्न देश चाहिए, उस सामर्थ्य का उपयोग हमको दूसरों को दबाने के लिए नहीं करना है। लेकिन जिसका सामर्थ्य नहीं है उसकी अच्छी बातें भी दुनिया सुनती नहीं है, वास्तविकता है। सत्य की चलती तब है जब उसके पीछे कोई शक्ति होती है। बड़ों की बात सब सुनते हैं, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, ऐसा भी कहा जाता है। अमेरिका अभी मैं जाके आया, शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में, वहां के लोगों के सामने भी बोलने का प्रसंग आया, तो मैं भी इन शब्दों का उच्चारण आसानी से कर सकता हूं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा हूं तो, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन तालियां नहीं पड़ती। विवेकानंद अपरिचित थे, उन्होंने ये शब्द कहे, तीन मिनट तालियां गूंजी। कारण क्या है, शब्द थे विवेकानंद के, मोहन भागवत के नहीं थे। शब्द तो सरल है, कोई बड़े कठिन शब्द अंग्रेजी भाषा के, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेरी कॉमन वर्ड्स, लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति है उसकी तपस्या, उसकी शक्ति काम करती है।
और इसलिए हमारा देश सामर्थ्य संपन्न होना पहली बात है, सब प्रकार का सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, नैतिक सामर्थ्य, सामरिक सामर्थ्य, किस लिए? विश्व कल्याण के लिए। सब लोग ऐसा कहते हैं लेकिन डंडा चलाते हुए दिखते हैं, हम वैसा नहीं करेंगे। सबको मित्र बनाकर हम ये काम करेंगे, इसलिए नैतिक बल भी चाहिए, शील संपन्न देश चाहिए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। ये गर्वोक्ति फिर से हम कर सके, ऐसे हमारे समाज के सब लोग हो, इसलिए ज्ञान संपन्न देश चाहिए, सामर्थ्य संपन्न, शील संपन्न, ज्ञान संपन्न, और संगठित होना पड़ेगा। विविधताओं का एक सुंदर हार पुष्पों का गूंथ कर उससे अपने देश को सजाना पड़ेगा, सबको एक आना पड़ेगा। हो सकता है, असंभव नहीं है, कितने भी कड़े विवाद हो बैठकर हल निकाला जा सकता है, बशर्ते भारत का हित सबके मन में हो, अपने पूर्वजों का गौरव सबके मन में हो और इस संस्कृति के बारे में श्रद्धा मन में हो। वो जोड़ने वाली बात है, उसको हम हिंदुत्व कहते हैं। उसके प्रति श्रद्धा रखकर बात होती है तो सारे प्रश्नों का हल निकलता है, हम एक होकर खड़े हो सकते, होना आवश्यक है सुसंगठित। और दुनिया को उपदेश करने जाएंगे तो देश का जीवन सर्वांग सुंदर होना चाहिए, इसलिए समता युक्त शोषण मुक्त और विश्व के लिए सद्भावना मन में लेकर चलने वाला। अगर ऐसी स्थिति में हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना तो विजन डॉक्यूमेंट अपने साम्राज्य के विस्तार का नहीं बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट अपने आर्थिक विस्तार का नहीं बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट दुनिया के ऐसे जो पिछड़े गए हैं देश, पिछड़ गए हैं समाज, उनको बराबरी में लाने का विजन डॉक्यूमेंट होगा। बिना किसी की हानि किए सबको कल्याण पथ चलाने वाला हमारा विजन डॉक्यूमेंट होगा, ऐसा देश हमको चाहिए। भारत त्रस्त मानवता को नया संजीवन प्रदान करके सर्व समन्वय साधने वाले संतुलन के और सर्व समन्वय साधने के लिए जो अनुशासन चाहिए उस अनुशासन के मार्ग पर चलाएगा, और चलाएगा यानी डंडे से नहीं चलाएगा, स्वयं के उदाहरण से उनके मन में अपने प्रति एक सम्मान उत्पन्न करके वैसे चलाएगा, सबके प्रति मन में अतीव कल्याण की भावना लेकर चलाएगा, ऐसा देश चाहिए। अब ये मेरे अपने विचार है क्या? आज तो मैं बोल रहा हूं लेकिन ये अपने देश का सनातन विचार है। अपने देश के विजन के बारे में जब जब किसी ने बोला है, यही बोला है, प्रसिद्ध कविता है रविन्द्रनाथ की, चित्त जथा भय शून्य उन्नत जथा शीर, उसका अनुवाद भी हुआ है लेकिन एक्यूरेट अनुवाद, नियरली एक्यूरेट अंग्रेजी मुझे लगा, इसलिए मैं वो अनुवाद पढ़ता हूं। गीतांजलि में कविता है, नैवेद्य नाम का संग्रह उसका अंश है। अब उसमें एक सुधार किया है, लेकिन उस कविता में अंत में रविन्द्रनाथ जी ने कहा है कि हे परम पिता, अपने कठोर हाथ से एक आघात हमारे देश पर करो और उसको ऐसी दुनिया में जागृत करो। वो आघात वाली बात अंग्रेजी ट्रांसलेशन में नहीं है, लेकिन सीधे से नहीं मानता तो भगवान ऐसा ताड़न करके हमको चलाएगा कान पकड़ के, क्योंकि हमारी नियति दूसरी नहीं हो सकती। हम सीधे से जाएं उस पर यह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान मारेगा। यह अंग्रेजी ट्रांसलेशन में नहीं है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन कहता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action,
into that heaven of freedom, my father, let my country awake. रविंद्रनाथ उधर बंगाल में थे, स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने यही कहा, जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महान मधुर ऐसा स्वतंत्रता भगवती तुम्हारे साथ अवतरित हो हमारे देश में, स्वतंत्रता देवी की उनकी प्रसिद्ध आरती मराठी में, उसमें यही कहा गया है। हम अपने स्वतंत्रता की, स्वतंत्र भारत की कल्पना इसी प्रकार से करते हैं, और ऐसे भारत को खड़ा करने वाला समाज कैसा होना चाहिए उसमें भी कोई अलग बात मैं नहीं करता हूं। अपने समाज के किन दोषों का निपटारा होना चाहिए इसके बारे में महात्मा जी ने सात सामाजिक पापों की बात की है, उन पापों को अपने जीवन से निपटकर हटाना पड़ेगा, उसके लिए स्वयं को संस्कारित होना पड़ेगा, व्यक्ति निर्माण का काम उसी लिए चलता है। वो सात सामाजिक पाप गांधी जी क्या कहते हैं, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। आप चारों ओर अपने जीवन में नजर डालेंगे समाज के, स्वतंत्रता के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन ये भी सर्वत्र दिखता है, इसको निपटे बिना उस स्वतंत्रता का संपूर्ण फल प्राप्त होना कठिन है, और इसके लिए संपूर्ण समाज को जुड़कर प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पाप बाहर नहीं रहते, ये अपने मन में रहते, अपने मन से लेकर तो सारे देश के आकाश को साफ करने का काम हमको करना पड़ेगा, प्रारंभ अपने से करना पड़ेगा। उस प्रारंभ करने के लिए संघ सबको बुलाता है, संघ का आह्वान यही है, इस अपने पवित्र मातृभूमि का भाग्य बदलने के लायक बनो, सबको बनाओ, और फिर हम सब मिलकर तय करेंगे सामूहिक विचार से, जो तय होगा वो होगा, शक्ति बनेगी वैसी हमारी। यह संघ का मंतव्य है, वैसे समझने भी बड़ा कठिन जाता है एकदम। आज की दुनिया में कोई अच्छा काम कोई करने गया तो लोग पहले पूछते ही क्यों कर रहा है, ऐसी शंकित अवस्था समाज मन में है, इसलिए भी कठिन जाता है। जानबूझकर अंधकार भ्रम उत्पन्न करने वाले लोग भी काम करते हैं, उनका भी भला हो, उनके बारे में हमारी भावना बुरी नहीं है, उनका टेढ़ापन चले जाए, इतनी प्रार्थना है ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में। लेकिन ऐसा होने के कारण इसको समझना पड़ता है। एक बार हमने सोचा कि प्रमुख लोगों को बुला के ये बात साफ साफ आपके सामने रखी जाए कि संघ क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, संघ क्यों हिंदुत्व की बात करता है, और संघ के सामने भारत का विजन क्या है। वो चारों बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैं चाहता हूं कि ये सारा सुनकर आपके मन में कुछ स्पष्टता करने के लिए या कुछ और समझने के लिए कोई जिज्ञासाएं आई हो आप प्रश्न पेटी में डाल दीजिए। अब कितने प्रश्न आएंगे और कल के समय में उसका निपटारा कितना हो सकेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितना अच्छा और जितना अधिक हो सकेगा उतना करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।